ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज है झांसी के मऊ रानीपुर से, जहां फेक आरटीओ का मामला सामने आया है। आपको बता दें ये घटना 26 तारीख की है, जहां कुछ लोग अपनी गाड़ी में आरटीओ विशेष जांच लिखवाकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसमें आरटीओ विशेष जांच लिखा हुआ था, उसमें कुछ लोग सवार थे और खुद को आरटीओ अधिकारी बता रहे थे। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गाड़ी में कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी और इन लोगों ने कई बसों और वाहनों को रुकवा कर उनसे पैसे लिए। लेकिन जब एक बस को इन लोगों ने सड़क पर रोका और उससे पैसे मांगने लगे तो उस बस चालक ने अपने गाड़ी मालिक को फोन किया और सारा वाक्य बताया। इसके साथ ही मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने इस मुद्दे पर एक्शन लेते हुए फर्जी आरटीओ टीम के 3 सदस्यों को रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज के पास पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। फर्जी आरटीओ वाले तो पकड़े गए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन लोगों ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया। आप अगर देखेंगे तो चालान की कॉपी असली रसीद की ही तरह है। पहला सवाल ये कि कॉपी इनके पास आई कैसे, और अगर ये फर्जी बनवाई गई है तो किसकी मदद से। आजकल सड़कों पर वैसे भी फेक आरटीओ के मामले सामने आते रहते हैं। ये फर्जीवाड़ा लगातार जारी है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी सुध नहीं ले रही है। हम आपको बता दें कि अक्सर सड़कों पर आरटीओ ऑफिसर्स बिना वर्दी के दिखाई देते हैं और चालान काटते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं समझ पाते कि आखिर हम कैसे पता लगाएं कि ये असली आरटीओ ऑफिसर हैं या नहीं। और अगर ये मामला देखा जाए तो इस मामले में तो गाड़ी पर आरटीओ विशेष जांच का बोर्ड भी लग रखा है। ये ठग अपने मंसूबों को कामयाब करने में लगे थे। चालान की रसीद से लेकर इन ठगों की हर एक चीज ऐसी ही थी जैसे कि एक असली आरटीओ ऑफिसर की होती है। अब इनमें अंतर कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं नकली आरटीओ को बढ़ावा देने में प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब आरटीओ चेकिंग के लिए आते हैं तो अक्सर ना तो कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग होती है, और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आरटीओ अधिकारी अपनी प्रॉपर ड्रेस में ना होकर और बिना अपनी नेम प्लेट लगाए चालान काटते हैं। यहाँ तक कि ड्राइवर्स के पूछे जाने पर कई बार आरटीओ की तरफ से गुंडागर्दी की वारदातें भी सामने आई हैं। तो ऐसे में प्रशासन को इस ओर सख्ती करनी जरूरी है कि आरटीओ ऑफिसर अपनी ड्रेस में होकर और अपनी नेम प्लेट लगाकर अपना काम करे, ताकि ऐसे फर्जीवाड़ों को रोका जा सके। अगर कोई ड्राइवर किसी अधिकारी से उसके आई कार्ड की मांग करता है तो अधिकारी का ये फर्ज बनता है कि वो उसे आई कार्ड दिखाए, ताकि ड्राइवर ये पहचान सके कि वो एक असली आरटीओ ऑफिसर है। क्योंकि अक्सर जब ड्राइवर चालान मांगने पर या चेकिंग के समय पूछताछ करते हैं कि आप कौन हैं और हम चालान क्यों दें, तो उनसे मारपीट की जाती है बजाय इसके कि वो उन्हें अपना आई कार्ड दिखाएं। इसलिए प्रशासन को इस ओर ध्यान देते हुए आरटीओ ऑफिसर को आईडी कार्ड और अपनी ड्रेस के साथ सभी रूल्स फॉलो करते हुए चेकिंग के आदेश देने चाहिए, नहीं तो एक आम आदमी के लिए इनके बीच फर्क कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारे ड्राइवर या चालक हैं, वो भी सतर्क रहें और पूरी जानकारी के बाद ही गाड़ी की चेकिंग करवाएं और चालान कटने पर चालान भरें। इस बस ड्राइवर ने जिस तरीके से समझदारी से काम करते हुए अपने मालिक को फोन कर सारी जानकारी दी, जिससे कि ये फर्जी आरटीओ ऑफिसर पकड़े गए, उसी तरह से आने वाले कल में हर एक ड्राइवर व चालक सतर्क रहें। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार। सारे ड्राइवर भैया ने राम राम। मेरी गाड़ी का एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, 456A 96। उसका बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से था और मेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरे को पूरा क्लेम मिला है और सारी कार्रवाई ट्रांसपोर्ट मॉल ने खुद की है, मैंने कहीं पर फोन लग नहीं किया। सारे ड्राइवर भाइयों से रिक्वेस्ट है, अपनी गाड़ी का बीमा जो करवाना है ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाएं। मैंने भी, मेरी 3 गाड़ियां हैं, मैंने अपनी गाड़ियों का जो बीमा है वो ट्रांसपोर्ट मॉल से करवाया है। अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस
सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। धन्यवाद भाई। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 9831 9831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।